अस्सलाम वालेकुम, मैं आई हूँ अपने नावल बदकिरदार और आपकी राइटर नूरा आसिफ। सबसे पहले जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और बहुत बहुत माजरत कि एपिसोड लेट हुई, उसकी वजह मेरी तबीयत की ख़राबी होना है और मुझे अभी भी टेम्परेचर है, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस की वजह से मैं ये स्टोरी अपलोड कर रही हूँ और आपके मैसेजेस का इसलिए भी जवाब ना दे सकी क्योंकि 2 दिन से मैंने सेल ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं क्योंकि माइग्रेन की शिकायत है। और बहुत 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 ज़्यादा माजरत, आपको इंतज़ार करना पड़ा। और थोड़ा ठंड रखें, ज़यान की सच्चाई जल्दी आ जाएगी लेकिन कुछ एपिसोड तक वेट करें प्लीज़। और शुरू करती हूँ आज की एपिस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत दे, जो जो बीमार हैं इन्हें जल्द अज़ जल्द सेहत दे। हमारी एक दोस्त हैं शासिया ख़ान, अल्लाह पाक उनके बेटे को सेहत दे, आमीन। सब आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, हो सकता है आप में से किसी एक ही आमीन अल्लाह पाक के हाँ कबूलियत का ज़रिया बने। मिराल बाहर खुली हवा में आकर लंबे लंबे सांस लेने लगी, अपनी पुश्त पर किसी की नज़रों का एहसास होने पर मुड़ी तो अपने सामने ज़हियान कयूम को खड़ा देखकर इसे हैरत नहीं हुई थी। वो जानती थी वो इसे मिले बगैर नहीं जाएगा। कैसी हो मिराल? सयान इसके पास आकर गहरी नज़रों से देखते हुए पूछने लगा। मिराल ने नफ़रत अमेज़ निगाहों से सयान को देखा था। पता है मिराल, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि तुम उस इंसान के लिए आंसू बहाती हो जिसे तुम्हारी ज़रा बराबर परवाह नहीं है। मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए नफ़रत कैसी लगती है सयान? मिराल के सवाल पर ज़यान ने कहका लगाया था। जब तुम अपनी आंखों में नफ़रत की चिंगारियां लिए मुझे देखती हो, मुझे लगता है तुम अपनी आंखों से मुझे भस्म कर दोगी और मैं तो खुद भस्म होना चाहता हूँ तुम्हारे वजूद की गरमाइश से, ज़यान ने आंख मारते हुए बेबाकी से कहा। ज़यान, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा। मिराल कर राई, मैं घटिया हूँ तो अपने शोहर के मुतल्लिक क्या ख्याल है? वो तो मुझसे भी परले दर्जे का घटिया है फिर तो। ज़यान फंकारा, बकवास बंद करो, मैं शामिर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। देखो मिराल, अभी भी वक्त है, मेरे पास आ जाओ। इज्जत से आओगी तो इज्जत से अपनाऊँगा वरना तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकलवाऊँगा, ज़यान ने धमकी दी। ज़यान, तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी हो, शामिर मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी तुम लोगों का मोहरा नहीं बनेगा। मिराल की बात पर ज़यान ने कहका लगाया था। अभी भी यही कह रही हो? वो मोहरा बन चुका है, इसका डेमो तुम्हें अंदर मिल चुका है। मिराल, क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के साथ रहने का जो तुम पर एतबार ही ना करता हो? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम पर एतबार करता हूँ। तुमसे अच्छे किरदार की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या नहीं है मेरे पास? पैसा, ऐशो अशरत, जवानी, अपना सब कुछ तुम पर लटा दूँगा, बस एक दफ़ा मेरे पास आ जाओ। जयान, मैं थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारे पैसे पर। रही बात शामिर के एतबार की, वो आज भी मुझ पर एतबार करता है। इसकी आंखों में बेएतबारी नहीं है, एक शोहर की आंखों में अपनी बीवी पर मान टूटने का गर्व है। जिसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और मुझ जैसी हजारों लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप की दी गई आज़ादी और भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। वो तो मेरे अल्लाह का शुक्र है, इसने मेरी तुम जैसे भेड़िए से हिफाजत की। इंशाल्लाह मेरा रब आगे भी तुमसे मेरी हिफाजत करेगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं तुम्हारी असलियत से ज़रूर बताऊंगी। शामिर मेरा इतबार ज़रूर करेगा, मिराल पुर अज़्म चट्टानों से लहजे में बोली। मिराल, तुम अपने दिल को झूठी तसलियाँ दे रही हो, वो तुम पर एतबार नहीं करता। एतबार करता तो आज तुम्हारे साथ खड़ा होता, यूँ तुम्हें छोड़ कर ना जाता। तुम ये सोचो वो इस वक्त है कहाँ, इतनी रात को वो कहाँ गया है, तुम्हारा इतना हैंडसम और पैसे वाला शोहर। ज़यान तंजिया मुस्कुराया। ज़यान की बात पर मिराल के चेहरे पर साया लहराया था जिसे ज़यान ने फ़ौरन से महसूस कर लिया था। सोचो मिराल कहाँ है वो इस वक्त, तुमसे तो वो काफ़ी दिनों से अपना कमरा अलग कर चुका है, तुम्हें
तो अपनी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करता होगा? कहीं इसलिए तो नहीं गया आज, कहीं होटल के बंद कमरे या फिर अपने फार्म हाउस में याशी तो नहीं कर रहा? ज़यान मकरूह हंसी हंसा था। चिटाख, ज़यान की हंसी मेराल के थप्पड़ से रुकी थी। ऐसी बकवास करके तुम मुझे मेरे शोहर से बदगुमान नहीं कर सकते। मैं शामिर पर खुद से ज़्यादा एतबार करती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, मेराल चलाते हुए बोली। सयान ने सुर्ख नज़रों से गाल पर हाथ रखे मिराल को देखा। तुमने जो ये हरकत की है, अगर कोई और ये करता तो इसका हाथ तोड़ देता। मगर फिक्र ना करो, अनकरीब इसका बदला सूद समेत लूँगा। सयान दहाड़ा, क्या करोगे? हाँ, शुमाइल को महरा बना कर लाए हो ऐसी चीप हरकतें करोगे? शामिर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम या शुमाइल कभी इसे मुझसे छीन नहीं सकते, याद रखना तुम। वो तो वक्त आएगा तो तुम खुद ही देख लोगी शुमाइल क्या करती है। बस तुम अभी ये सोचो, शामिर कहाँ है और क्या कर रहा है इस वक्त। जब अच्छी तरह सोच लोगी तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा कि वाकई में शामिर सिर्फ तुम्हारा है। दयान शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए सीटी बजाता हुआ मिराल पर गहरी नज़र डालता वहाँ से चला गया। मिराल सबके जाने के बाद काफ़ी देर से बाहर लॉन में जले पैर बिल्ली की मानिंद चक्कर लगा रही थी। 4 बजने को आए थे मगर शामिर का कुछ अता पता नहीं था। लैंडलाइन से भी काफ़ी दफ़ा कॉल की मगर नंबर बंद था। ज़यान की बातें सोच सोच कर मिराल का सर दर्द से फटा जा रहा था। दिल में अजीब वसवसे समा रहे थे। थक हार कर लॉन में पड़ी कुर्सी पर टेक लगाए शामिर का इंतज़ार करने लगी। आँख कब लगी पता न चला। सुबह की रोशनी पर आँख खुली तो भागते हुए कार पोर्च तक गई थी मगर शामिर की गाड़ी को ना पाकर उल्टे कदमों वापस आई थी। कमरे में आकर मुंह तकिए में दिए सिसक सिसक कर रो पड़ी। मिराल अपने कमरे में उदास सी बेड पर बैठी थी। आज कमरे से बाहर नहीं निकली थी। रात वाले हुलिये में बिखरे बाल, सुर्ख मतोर आँखें, बेचैन बेकरार दोपहर होने को आई थी। शामिर अभी तक नहीं आया था। लाइबा कमरे में दाखिल हुई थी। मिराल को देखकर हैरान रह गई। भाभी क्या हुआ है आपको? लाइबा ने मिराल की हालत देखकर तशवीशज़दा अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, मिराल फीकी सी मुस्कुराई। भाभी कुछ तो हुआ है, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? सुबह से आप कमरे से भी बाहर नहीं निकली। मैंने आपके लिए नाश्ता भिजवाया, वो भी आपने वापस भिजवा दिया। भाभी मुझे प्लीज़ बताएं, भाई और आपके दरमियान क्या चल रहा है? लाइबा ने मिराल के हाथ थामते हुए कहा। मिराल यकदम लाइबा के गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। काफ़ी देर तक मिराल रोती रही थी और फिर खुद पर काबू पाकर लाइबा को सब कुछ बता दिया मगर ज़यान की सच्चाई लाइबा से छुपाई थी। लाइबा ज़यान को अपने भाइयों की तरह मानती थी। पता नहीं लाइबा इस पर यकीन करे ना करे। लाइबा मिराल की बातें सुनकर बेयकीनी के आलम में बेड से उठी थी। गुस्से से कमरे के चक्कर लगाने लगी। आई कांट बिलीव दिस भाभी, इतनी छोटी सी बात पर भाई का रिएक्शन इतना एक्सट्रीम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई की सोच इतनी छोटी और सतही हो सकती है। छोटी बात नहीं है, मिराल ने हिचकी ली। ओ कमन भाभी, जब तक आप खुद को कसूरवार समझती रहेंगी सब आपको ही कसूरवार समझेंगे। अगर आपने अपनी कम उम्री में किसी से 2 घड़ी बात कर ली तो ऐसा क्या हो गया कि भाई आपको माफ़ नहीं कर पा रहे? इश्क का दावा किया था शामिर भाई ने और दिल इतना छोटा निकला भाई का। लाइबा ने अफसोस से सर हिलाया। वो मुझे लेकर बहुत पोसेसिव हैं, शायद इसलिए। मिराल उंगलियां चटकाते हुए बोली। पोसेसिव होने का मतलब ये नहीं कि अब आपको सारी उम्र सूली पर लटकाए रखेंगे। भाभी प्लीज़ खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें, लाइबा बेड पर बैठी मिराल को समझाने लगी। मिराल जख्मी सी मुस्कुराई थी। वो इसे क्या बताती, वो सबसे लड़ सकती है मगर इस जालिम बेहिस जल्लाद इंसान की आंखों में भी नहीं देख सकती, तो इससे लड़ेगी क्या? अच्छा चलें, उठें, तैयार हो जाएं, हम बाहर जा रहे हैं। शॉपिंग भी करेंगे और लंच भी बाहर ही करेंगे।
नहीं लाइबा, तुम जाओ, मेरा मूड नहीं है, मिराल ने इनकार किया। और वैसे भी इस जल्लाद ने कहाँ बर्दाश्त करना था कोई इसके बगैर बाहर गई है। मिराल के इनकार करने के बावजूद लाइबा ज़बरदस्ती मिराल को बाहर ले आई थी। मिराल और लाइबा एक बहुत बड़े होटल में दाखिल हुई। क्या है ख्याल है भाभी, पहले लंच ही ना कर लिया जाए, भूख बहुत लगी है मुझे। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, लंच के बाद शॉपिंग करेंगे, पास ही तो मॉल है, लाइबा चेयर पर बैठती हुई बोली। मिराल ने इस्पात में सर हिलाया था। लाइबा और मिराल खाने का वेट कर रही थी कि मिराल की नज़र दूर एक टेबल पर पड़ी, जहाँ शामिर किसी फॉरेनर लड़की के साथ बैठा लंच कर रहा था। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और कपड़े तो इसने ना होने के बराबर पहन रखे थे। शामिर और वो काफ़ी मुस्कुरा कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिराल ने भीगी पलकों से शामिर को देखा, जो चॉकलेट ब्राउन टू पीस पहने बहुत शानदार लग रहा था। शामिर को इस लड़की के इतना करीब बैठा देखकर मिराल के दिल में जलन की लहर उठी थी। सयान की बातें भी याद आई थी। मिराल की आंखें पल में आंसुओं से लबरेज हुई। मिराल ने अपना रुख मोड़ लिया था। इसे जालिम जलाद बेहिस इंसान की कोई परवाह नहीं थी। अब वो कुछ भी करता फिरे इसकी बला से। साइम अपने दोस्त के साथ लंच करने आया तो था वापस जा ही रहा था कि लाइबा और मिराल पर नज़र पड़ी तो खुशगवारी का एहसास हुआ। साइम अपने दोस्त को खुदा हाफिज़ करता इनकी टेबल की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, साइम ने पास आकर गला खंकार कर मुखातिब किया। लाइबा ने हैरत से साइम को देखा, उससे भी ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई वो कुर्सी खसकाता इन लोगों के पास बैठ चुका था। कैसी हैं भाभी आप, साइम ने लाइबा को गहरी नज़रों से देखते हुए मिराल से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, मिराल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। साइम की नज़रों का रुख अभी भी लाइबा की तरफ ही था। लाइबा ने गुस्से से अपनी नज़रों का जाविया बदला था। साइम ने हैरत से लाइबा के गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखा। कल रात डिनर करने तक वो बिल्कुल ठीक थी, जब वो जाने लगे थे तो वो इन्हें खुदा हाफिज़ भी नहीं करने आई थी, और अब इसे देखकर चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा क्यों था? साइम परेशान हुआ था, क्या बात हो सकती है? लाइबा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ ज़रा बाहर आकर मेरी बात सुन लो, साइम ने इल्तिजाया लहजे में कहा। साइम, तुम्हें जो भी बात करनी है वो यहीं पर करो, वैसे भी भाभी को अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। लाइबा ने साइम की बात पर मबहम सा बहाना तराशा। असल में वो साइम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, यानी कि वो इससे मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था कि शुमाइल इस घर में आ सके। क्या हो गया है लाइबा, भाभी छोटी बच्ची तो नहीं है जो वो अकेली नहीं बैठ सकती? मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है, प्लीज़ भाभी आप कहें लाइबा से, साइम ने मिराल से इल्तिजा की। लाइबा, साइम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम इसकी बात सुन लो, मिराल के कहने पर लाइबा गुस्से से उठकर बाहर गई थी। साइम मिराल का शुक्रिया अदा करता लाइबा के पीछे गया था। क्या साइम लाइबा को पसंद करता है? मिराल को खुशगवार हैरत हुई थी। मिराल को शुरू दिन से ही साइम बहुत अच्छा लगा था, बहुत सिंपल और डिसेंट था, बिल्कुल ऐनी की तरह। पता नहीं शुमाइल किस पर गई है जो मेरे शोहर के पीछे ही पड़ गई है, मिराल ने कुटते हुए दिल के साथ सोचा, और किन अक्खियों से शामिर की टेबल की तरफ देखा, जहाँ शामिर की हंसी गूंजी थी इस अंग्रेज़ लड़की की किसी बात पर। सफ़ेद भूतनी, मिराल ने जले दिल के साथ उसे खिताब दिया। शामिर की नज़र सामने टेबल पर पड़ी थी। शामिर ने हैरानगी से देखा, जहाँ मिराल डार्क मेरून कलर की ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस दुपट्टा सर पर ओढ़े बैठी थी। ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेली? शामिन ने सख्त नज़रों से मिराल को घूरा था। शामिन इसी फॉरनर लड़की से एक्सक्यूज़ करता मिराल की टेबल पर आया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शामिन की सर्द आवाज़ पर मिराल उछली थी और फिर खुद पर काबू पाती हुई बोली, जो आप यहाँ पर करने आए हैं, मिराल ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। शामिन मिराल को गहरी नज़रों से देखता हुआ चेयर घसीट कर मिराल के सामने बैठा था।
किसके साथ आई हो? शामिन ने खुश लहजे और संजीदा लहजे में पूछा खुश और संजीदा लहजे में पूछा किसी के भी साथ आई हूँ, आपको इससे क्या? मिराल ने जी कड़ा के जवाब दिया, मगर आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि शामिर को बेमुश्किल ही सुनाई दिया। मिराल ने गर्दन घुमाकर देखा, जहाँ वो सफ़ेद पोतनी इधर ही देख रही थी। मिराल सीधा जवाब दो, शामिर अपना गुस्सा दबाता हुआ बोला। लेकिन मिराल की त्वचा तो सफ़ेद भूतनी पर थी, जो अभी भी शामिर को ही देख रही थी। शामिर ने मिराल की नज़रों का इर्तकाज़ सामने टेबल पर महसूस किया तो सामने देखा, जहाँ वो फॉरनर लड़की बैठी थी। शामिर के देखने पर इस लड़की ने हाथ हिलाकर मुस्कुराकर इशारा किया था, जिसे शामिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मिराल के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। मिराल गुस्से से एक झटके से टेबल से उठी थी, अपना पर्स उठाया। इससे पहले वो बाहर जाती, शामिर ने उसकी कलाई थामी थी। कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ भी जाऊँ आपको इससे क्या? मिराल ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए भीगे लहजे में कहा। शामिर अपनी चेयर से खड़ा हुआ था। मिराल, तुम मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर चुकी हो और मेरा टाइम भी बहुत ज़ाया कर चुकी हो। इससे पहले मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब हो, यहाँ पर आराम से बैठो, मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। शामिर ने दबे लहजे में गराते हुए कहा, बैठो यहाँ पर, मैं बस आ रहा हूँ। मिराल शामिर की बात सुनी अनसुनी करती खड़ी रही। मिराल, शामिर ने हल्के मगर सर्द अंदाज़ में मिराल को पुकारा था। मिराल शामिर के सर्द अंदाज़ पर बोलने पर बुरे बुरे मुंह बनाती वहाँ पर बैठ चुकी थी। यहाँ से हिलना मत अब, शामिर सुर्ख आँखों से मिराल को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। शामिर अपनी टेबल पर वापस आया था और फॉरनर लड़की से माजरत की थी, जिसके साथ आज इसकी मीटिंग थी, जो आज ही लंदन से आई थी। लड़की ने खुश अखलाकी से शामिर की माजरत कबूल की और मुस्कुराते हुए शामिर से मसाफ़ा किया था। मिराल ये सब देखते हुए गुस्से से शामिर की परवाह किए बिना वहाँ से चली गई। शामिर जब मिराल की टेबल पर आया, वहाँ मिराल को ना पाकर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। कहाँ गई ये बेवकूफ़ लड़की? शामिर खुद से बड़बड़ाता हुआ मिराल की तलाश में निकला। बोलो साइम, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? लाइबा बाहर आकर साइम से बोली थी। इस गुस्से और ग्रेज़ की वजह जान सकता हूँ? साइम लब भींचते हुए बोला। ग्रेज़ की खूब कही, मेरे और तुम्हारे मरासिम कब इतने गहरे थे कि तुम मुझसे मेरी ग्रेज़ की वजह पूछो? लाइबा तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कह रही हो, मेरे और तुम्हारे मरासिम गहरे नहीं हैं, और मैं यही मरासिम गहरे करना चाहता हूँ, बहुत गहरे। साइम ने मुस्कुराते हुए लाइबा के हाथ पकड़े थे। देखो साइम, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। तुम ये झूठी मोहब्बत की आड़ में शुमाइल की शादी शामिर भाई से करवाना चाहते हो, तो अच्छी तरह एक बात सुन लो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को मिराल भाभी का घर उजाड़ने नहीं दूंगी। लाइबा ने एक झटके से अपने हाथ छुड़ाए। साइम ने उलझन भरी नज़रों से लाइबा को देखा था। ये तुम क्या कह रही हो? साइम हैरत से बोला। साइम, तुम इतने मासूम क्यों बन रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं? शुमाइल ने कल मिराल भाभी को धमकी दी थी कि वो बहुत जल्द शामिर भाई से शादी करेगी, और फरखंदा अप्पा ने भी मुझे यही कहा कि शुमाइल की शादी शामिर से और मेरी तुमसे करवाने का इरादा रखती हैं। इन सब बातों में तुम्हें ये कहाँ से लगा कि मैं तुमसे झूठी मोहब्बत का नाटक कर रहा हूँ? शुमाइल क्या चाहती है, फरखंदा अप्पा क्या चाहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। जहाँ तक शुमाइल और शामिर की शादी की बात है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। और मुझे पूरा यकीन है शामिर भी कभी ऐसा नहीं होने देगा। मिराल भाभी इतनी अच्छी हैं, वो मेरे लिए एनी और शुमाइल की ही तरह हैं। मैंने उस दिन शामिर की आंखों में मिराल भाभी के लिए बहुत मोहब्बत देखी है। और जहाँ तक शुमाइल की बात है, इसकी आदत है बेपरकी उड़ाने की।
और फजूल सोचने की। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ है, तुमने मुझे गलत समझा। लाइबा, मैं वाकई में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बिना किसी गर्ज़ और लालच के। आज से नहीं, ना जाने कब से, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मेरे सच्चे जज्बों की तोहीन की है। साइम ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। लाइबा लब काटते हुए जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। वाकई में वो अच्छी तरह जानती है शुमाइल को, और फरखंदा आपा का भी पता है किस तरह मिराल से खार खाती हैं। फिर भी मैंने साइम के बारे में गलत सोचा और उसे इतना कुछ कह दिया। लाइबा ये सोच रही थी कि मिराल आती दिखाई दी। भाभी, मैं बस आ रही थी। लाइबा मिराल को देखती बोली, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलो यहाँ से। लेकिन भाभी, खाना? लाइबा हैरान हुई। लाइबा, तुमने चलना है कि नहीं? मिराल गुस्से से आगे बढ़ गई। लाइबा मिराल के पीछे भागी थी। अच्छा भाभी, खाना? नहीं, खाना तो ना खाएं, मगर शॉपिंग तो कर लें। शामीन ने गुस्से से मिराल का नंबर मिलाया था जो कि ऑफ था। शामीन ने अपना माथा सहलाया। उफ, मिराल के पास तो मोबाइल ही नहीं है, कहाँ गई ये पागल लड़की। शामिल होटल से बाहर आया। थोड़ा आगे आने पर मिराल और लाइबा दिखाई दी, जो मॉल में दाखिल हो रही थी। शामिल इनके पीछे मॉल में दाखिल हुआ। लाइबा शामिल को देखकर रुकी थी, मगर मिराल गुस्से से आगे बढ़ गई। शामिल ने कहर भरी नज़रों से मिराल की पुश्त को घूरा था। भाई, आप यहाँ पर? लाइबा शामिल को देखकर हैरान हुई। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? शामिल ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। वो भाई, मैं और भाभी शॉपिंग करने आई थी। शामिर और लाइबा वो मैं और भाभी शॉपिंग करने आई हैं। शामिर और लाइबा भी अंदर दाखिल हुए तो मिराल एक जगह पर रुककर एक बुटीक पर एक ड्रेस बहुत गौर से देख रही थी। लाइबा अपने लिए ड्रेसेस देखने लेडीज़ सेक्शन की तरफ चली गई। शामिर मिराल के पास आया था, जो डार्क मेरून स्टाइलिश मैक्सी को देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिस पर एंटीक्स का नाजुक काम हुआ था और साथ खूबसूरत कामदार दुपट्टा था जो शीशे में डमी ने पहना हुआ था। पूरी बुटीक में वो ड्रेस अपनी शान में आप था। इसके काम की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मिराल बहुत गौर से इस ड्रेस को देख रही थी। क्या हुआ? बहुत पसंद आ गया है तो ले लो। शामिर इसके पास आकर हाथ पेंट की पॉकेट में डाले पूछने लगा। नहीं, मुझे तो पसंद नहीं आया, और वैसे भी इतना हैवी ड्रेस लेकर मैं क्या करूँगी? आप ले लें, शायद आपके काम आ जाए, मिराल गुस्से से बोलती आगे को बढ़ गई। शामिर मिराल की इस फजूल बात पर हैरान हुआ था और लब भींच कर मिराल को देखा। भला मुझे क्या इसकी ज़रूरत, ये क्या फजूल बोल कर गई है। शामिर ने वो ड्रेस सेल्स गर्ल से पैक करने को कहा और उसकी पेमेंट करता बाहर को आया था। साइम ड्राइंग रूम में बैठा कब से सोच रहा था लाइबा ने इसे क्यों बुलवाया है। लाइबा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। साइम इसे देखकर खड़ा हुआ और लाइबा का चेहरा देखकर परेशान हुआ, जो बे इंतहा संजीदा था। साइम, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लाइबा अंदर दाखिल होती हुई बोली थी। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साइम ने लाइबा का संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए हैरानगी से जवाब दिया। मैं आज जो तुम्हें बताने लगी हूँ, मुझे पूरा यकीन है ये सुनकर तुम मुझसे शादी का ख्याल दिल से निकाल दोगे। लाइबा, क्या कह रही हो? मैं क्यों? साइम, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर कहना जो भी तुमने कहना है। लाइबा ने साइम को अपने पास्ट बाकी के मुतलिक सब कुछ बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सारी ज़िंदगी अपने पास्ट को लेकर डरती रहे, और साइम को भी वो किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मिराल भाभी की मिसाल उसके सामने थी। शामिर भाई, मिराल भाभी की छोटी सी गलती माफ़ नहीं कर सके, मेरा तो गुनाह है। यकीनन साइम ये सब सुनकर हमेशा हमेशा के लिए मेरा ख्याल दिल से निकाल देगा। लाइबा तल्ख अंदाज में सोचते हुए साइम को देखा, जो सर झुकाए बैठा था। साइम, तुम्हारा झुका हुआ सर देखकर मुझे तुम्हारा जवाब मिल चुका है,
अच्छा मैं चलती हूँ, ये मेरी और तुम्हारी शायद आखिरी मुलाकात थी, अपना ख्याल रखना। लाइबा जाने के लिए बड़ी ही थी कि साइम की आवाज़ पर पलटी। लाइबा मुझे तुम्हारे पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तुम्हारे हाल और तुम्हारे मुस्तकबिल से। बल्कि आज मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत में और इजाफा हुआ है। तुम चाहती तो मुझसे सब कुछ छुपा सकती थी, यकीन करो तुम्हारी सच्चाई ने मुझे तुम्हारा और करविदा बना दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? साइम ने आगे बढ़कर लाइबा के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। लाइबा ने नम आँखों से इकरार में सर हिलाया था। मिराल अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब मुलाजमा ने आकर एक पैकेट मिराल को थमाया, जो कि शामीर सर ने दिया थमाया था कि शामीर सर ने दिया है आपके लिए। मिराल ने हैरान होकर वो पैकेट खोला, उसमें वही मैक्सी थी जो उस दिन शॉपिंग मॉल में इसने देखी थी। मिराल ने एक नज़र इस मैक्सी को देखा और दूसरी नज़र खुद पर डाली। मिराल इस वक्त सी ग्रीन लॉन्ग मैक्सी पहने हुए थी, बारीक नेट का सी ग्रीन बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था, आंखों पर ग्रीन स्मोकी मेकअप किए हुए थे, ग्रीन नगों वाले लंबे आवीज़े पहन रखे थे। मिराल इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर ये भी सच था शामीर वाली मैक्सी ज़्यादा खूबसूरत थी। मिराल वो मैक्सी पकड़े शामीर के कमरे में आई थी, मगर शामीर कमरे में नहीं था, शायद वॉशरूम में था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मिराल ने वो मैक्सी बेड पर रखी और कमरे से बाहर आ गई। शामीर शावर लेकर निकला ही था और बेड पर वही मैक्सी देखी जो इसने अभी अभी मिराल के रूम में बिछवाई थी। शामीर ने लब भींच कर उस मैक्सी को देखा और फिर गुस्से से उठाकर वो मैक्सी ज़मीन पर फेंक दी। आज साइम और लाइबा का निकाह प्लस रुख्सती थी, ये तकरीब घर में रखी गई थी जिसमें साइम की तरफ से कुछ मेहमान मधु थे और शामीर की तरफ से चंद मेहमान थे। लाइबा आज बहुत खुश थी, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही थी कि साइम जैसा इंसान इसकी ज़िंदगी में आया है। हकीकत में साइम ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली थी, वो कुछ ही दिनों में साइम से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मगर वो थोड़ी हैरान हो रही थी कि साइम आज बुझा बुझा सा है, कल तक तो वो बहुत खुश था मगर आज इसे क्या हुआ है। मिराल हैरान हो रही थी कि शुमाइल आज की तकरीब में शरीक नहीं हुई। सफिया फूफो भी बहुत सीरियस मूड में थी, पता नहीं मिराल को साइम और इसके घर वाले काफ़ी खामोश लगे थे। मिराल को ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लगी थी। निकाह के बाद सब मेहमान चले गए थे, सिर्फ फरखंदा और साइम के घर वाले थे। थोड़ी ही देर बाद रुकती थी, सब इस वक्त सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे जब सफिया फूफो की आवाज़ गूंजी। शामीर ये रुखसती नहीं हो सकती, अगर तुम ये रुखसती चाहते हो तो हमारी एक शर्त माननी होगी, सफिया फूफो स्पाट लहजे में बोली। लाइबा ने हैरानगी से सफिया फूफो को देखा और अपने साथ बैठे साइम को देखा जो नजरें झुकाए बैठा था। शामीर एकदम सीधा होकर बैठा, कैसी शर्त पुप्पो, बताएं मुझे, अगर आपने कोई शर्त रखनी थी तो पहले भी बता सकती थी, मैं अपनी बहन की खातिर हर शर्त मानने को तैयार था, लेकिन यूँ आपको धमकी नहीं देनी चाहिए थी, शामीर संजीदगी से बोला। बोले क्या चाहिए आपको, जो भी चाहिए मुझे बताएं, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। शामीर अच्छी तरह सफिया पुप्पो की लालची तबीयत को जानता था, इसे लगा सफिया जायदाद का मुतालबा करेंगी और वो सब कुछ देने को तैयार था। लाइबा की खुशी के लिए वो सब कुछ करने के तैयार था, वो लाइबा की आंखों की चमक देखकर समझ गया था लाइबा इस रिश्ते से बहुत खुश है, इसलिए वो सफिया पुप्पो का हर मुतालबा मानने को तैयार था। तो ठीक है शामीर, हमारी शर्त ये है कि तुम शुमाइल से शादी कर लो। सफिया पुप्पो की बात थी कि जहर में भुजा हुआ तीर मिराल को आर पार होता महसूस हुआ।
मिराल को शामीर मेंशन का खूबसूरत दो मंजिला महल खुद पर गिरता महसूस हुआ। मिराल ने नज़र उठाकर शामीर को देखा जो इसकी ही तरफ देख रहा था। यही मेरी एक शर्त है, मिराल को तलाक दो और शुमाइल से शादी कर लो। सिटिंग एरिया में एकदम खामोशी छा गई थी। मिराल ने फटी फटी आंखों से शामीर को देखा था जो नज़रें झुकाए बैठा हुआ था। मिराल के गले में आंसुओं का फंदा अटक गया था। मिराल नम आंखों और चकराते सर को थामते हुए वहाँ से चली गई। लाइबा ने बेयकीनी से साइम को देखा था जो उससे नज़रें नहीं मिला रहा था। बोलो शामीर, तुम्हें मंजूर है हमारी शर्त? अगर तुम हमारी शर्त नहीं मानोगे तो ये रुखसती कभी नहीं होगी। अपनी बहन की खातिर हर शर्त मानने को तैयार थे तो ठीक है, अभी और इसी वक्त मिराल को तलाक दो। सफिया पप्पो शामीर को सर झुकाता देख कर अकड़ते हुए बोली थी। इनको पूरा यकीन था शामीर इनकी ये बात मानेगा। मिराल और शामीर अलग अलग कमरों में रहते हैं तो यकीनन शामीर और मिराल का रिश्ता इंतहाई कमज़ोर मोड़ पर है। जो कभी भी टूट सकता है, जो रिश्ता कल टूटना है वो आज क्यों नहीं। शामीर जब्त की इंतहा पर था, शामीर की रगें उभर गई थीं। शामीर ने सफिया पुप्पो की बात पर सख्ती से अपनी मुट्ठियाँ बींची थीं। शामीर क्या सोच रहे हो? देखो जिस दिन तुम मिराल को तलाक दे दोगे उसी दिन ये रुखसती होगी। बस सफिया पुप्पो, शामीर धाड़ते हुए बोला। शामीर इतनी तेज़ चलाया था कि पूरे घर में शामीर की चिंगारती हुई आवाज़ सुनाई दी। लाइबा और फरखंदा हड़बड़ा कर उठी थी। शामीर, फरखंदा आगे बढ़ी, बस आपा वहीं पर रुक जाएं। हिम्मत कैसी हुई आप लोगों की मेरे घर में बैठकर मुझसे मेरी बीवी को ही तलाक देने की बात करने की? शामीर ने गुस्से से वाज़ उठाकर ज़मीन पर मारा। शामीर की आंखें लहू रंग हो रही थीं। अब तो सफिया पुप्पो और साइम भी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। आप लोग लाइबा को रुखसत करें या ना करें, एक बात कान खोल कर सुन लें, मैं मिराल को कभी तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। आइंदा मुझसे ये बकवास आप लोगों में से किसी ने भी की तो मैं इसकी ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा, शामीर धाड़ते हुए बोला था। शामीर भाई, आप मेरी माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। साइम से बर्दाश्त नहीं हुआ था शामीर का ऐसे सफिया से बात करना। तुम्हारी माँ और तुमने सोच भी कैसे लिया कि शामीर दुरानी अपनी बीवी अपनी मिराल को छोड़ देगा? शामीर दुरानी मर तो सकता है मगर इसे कभी खुद से अलग नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, शामीर धाड़ते हुए बोला। सफिया पप्पो का मुंह खुला का खुला रह गया था अपनी इतनी बेइज्जती पर। उन्होंने सोचा था बाजी उनके हाथ में है, शामीर उनकी हर बात मानेगा। बात मानना तो दूर की बात, शामीर ने तो उनको जलील करके रख दिया था, अपनी पहनोई का भी लिहाज नहीं किया। साइम का रंग अपनी हितक से लाल सुर्ख हुआ था। साइम ने अपनी सुर्ख आंखें सफिया पर गाड़ी थी जिसे सफिया बेगम ने देखते हुए जल्दी से अपनी नज़रें फेरी। साइम, तुम मुझे रुखसत क्या करोगे, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रुखसती से इनकार करती हूँ। अपनी माँ को लो और यहाँ से निकल जाओ। मुझे शर्म आ रही है खुद पर, मैंने तुम जैसे झूठे इंसान पर एतबार किया। भाई, आपकी ये शर्त कभी नहीं मानेंगे, बल्कि तुम मिराल भाभी को तलाक दिलवाना चाहते थे ना, अब तुम मुझे तलाक दोगे। मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दो, लाइबा गुस्से से चीखी। साइम ने शिकस्त खुर्दा और थक भरी नज़रों से लाइबा को देखा था। लाइबा, होश में तो हो, ये क्या कह रही हो तुम? सफिया पुप्पो, आप इस वक्त यहाँ से जाएं, हम आपको सोच कर बताते हैं। साइम तो गुस्से से पहले से ही वहाँ से निकल चुका था। सफिया और ऐनी भी वहाँ से चले गए। अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त दें, आज की स्टोरी मैंने थोड़ी लॉन्ग पोस्ट की है ताकि ये जल्द अज़ जल्द नावल इख्तिताम को पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक दिन की लीव ली थी तो आप लोग को इसलिए भी थोड़ी स्टोरी लंबी थी।
मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, सर में अभी भी शदीद दर्द है। लेकिन आप लोगों का एहसास करते हुए दी, जब आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही होती है कि मैंने स्टोरी क्यों पोस्ट नहीं की। अब जब थोड़ी बहुत उर्दू इमला में गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि शदीद माइग्रेन के साथ एडिट की है। और अच्छा, ओके, बाय, खुदा हाफिज़।